हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने वहाँ पे स्टोरी डाली थी, आपको पता होगा। मैंने आपसे पूछा था कि आपको दिवाली का स्मोकी लुक चाहिए या फिर सॉफ्ट मेकअप लुक। सो मोस्ट ऑफ यू वोटेड फॉर सॉफ्ट मेकअप लुक। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव क्रिएटेड फॉर दिवाली मेकअप। एंड सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू अचीव दिस लुक, सो वॉच द वीडियो टिल एंड। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। So the first product which I'm going to use is Europe Girl Paris Oil Based Primer, क्योंकि अभी मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है। इससे पहले मैंने रोज़ वाटर एंड मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था एंड नाउ आई एम अप्लाइंग दिस। इससे जो मेरी स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है, तो फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से ग्लाइड होता है और ओपन पोर्स और फाइन लाइन्स को भी रिड्यूस करता है। सो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी का ये कंसीलर। इसका शेड है फेयर एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई आई मेकअप फर्स्ट, तो इसलिए मैंने इसको अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लिया है और एक वेट ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लिया है। सो नाउ आई हैव टेकन मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। इसका शेड है नेचुरल एंड ऑल्सो जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो यू कैन चेक इट आउट। तो इससे मैंने अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर लिया है। सो टुडे आई एम यूजिंग मेकअप रिवोल्यूशन मार्वलस मैट्स आई शेडो पैलेट। इससे मैंने ब्लैक शेड को लिया है और अपनी मैं ब्राउज को फिल कर लूँगी। और बेसिकली आई शेडो पैलेट में डार्क ब्राउन, ग्रे या फिर ब्लैक शेड ज़रूर होता है, तो अगर आपके पास अलग से आईब्रो का एक प्रोडक्ट नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी ब्राउज को फिल कर सकते हैं। तो अब मैं सेम पैलेट से ये पिंक शेड लूँगी जिसे मैं अपनी पूरी आईलिड पर अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी। और ये जो मेकअप है बहुत ही ज़्यादा इजी और सॉफ्ट आई मेकअप भी है इसका, तो बस बेसिकली आपको ये पिंक शेड को अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई करना है। एंड ऑल्सो अगर आपकी शेड पिंक नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप लाइट ब्राउन शेड भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी ड्रेस की मैचिंग का ले सकते हैं। सो टुडे आई एम यूजिंग दिस के ब्यूटी आई शेडो स्टिक और इट्स इन शेड जेडेड ग्लो। ये बहुत ही अच्छा सा ग्रीन शेड है और इसमें काफ़ी अच्छी सी एक शाइन भी है, तो इसको मैंने एज अ आई लाइनर रैंडमली अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही अप्लाई करना है। उसके बाद मैं लूँगी एक फ्लैट एंगल ब्रश जिससे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी एक स्मोकी लुक देने के लिए। सो गाइज, अगर आपके पास कलरफुल काजल होंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, उससे लुक काफ़ी अच्छा आएगा। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास काजल नहीं है तो आप अपनी आई शेडो पैलेट से कोई भी डिफरेंट कलर ले सकते हैं, कोई भी डार्क शेड ले सकते हैं और उसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं स्मोकी लुक देने के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है और ये मेटालिक जो के ब्यूटी के आई शेडो स्टिक है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो मैं इसी तरह से अपनी दूसरी आईलिड पर भी कर लूँगी। तो नाउ मूव ऑन टू आवर फेस मेकअप। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का कंसीलर और इसका शेड नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने अपनी अंडर आई एरिया पे और लिप्स के साइड में और जहाँ कहीं भी स्पॉट्स हैं या फिर कोई भी डार्कनेस है तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और एक वेट ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ऑल्सो गाइज, अगर आपके बहुत ज़्यादा अंडर आई एरिया में डार्क सर्कल्स हैं तो आपको पहले ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना चाहिए, उसके ऊपर आपको कंसीलिंग करनी है। बट अगर आपके ऐसा मीडियम टाइप का है डार्कनेस, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, तो आप डायरेक्टली कंसीलर से अपनी अंडर आई एरिया को कंसील कर सकते हैं। तो अगर आपको भी फ्लॉलेस लुक क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको कंसीलिंग ज़रूर करनी चाहिए ताकि जितनी भी डार्क स्पॉट्स हों वो हाइड हो जाएं और आपका लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगे। सो टुडे आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी मैट फाउंडेशन एंड इट्स इन शेड 220 और इस तरह से मेरे अपनी फेस पे और नेक पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। तो आज मैंने लिया है अपना फाउंडेशन ब्रश और इससे मैं अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और आप ब्रश अगर यूज़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा उसे खींचना नहीं होता है, इस तरह से पैट पैट करके अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना होता है। और जो ब्रश होता है उसकी हेल्प से भी आप काफ़ी अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना ज़्यादा इवन टोन लग रहा है और बिल्कुल ही फ्लॉलेस लग रहा है। सो नाउ आई एम यूजिंग अगेन दिस मेबलिन फिट मी कंसीलर और इसको मैं हाईलाइटर की तरह यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आई पे, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, फोरहेड एंड चिन पे।
उसके बाद अब मैं इसे भी अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपको मिनी ब्यूटी ब्लेंडर परचेज करना हो तो आई विल रिकमेंड यू बाइंग पैक ब्यूटी ब्लेंडर, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। सो टुडे आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी लूज पाउडर और इसको मैं इस तरह से यूज़ करूँगी अपने अंडर आइज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, एंड बेसिकली मैं इसे वहाँ पे अप्लाई करूँगी जहाँ पे मैंने अभी कंसीलर अप्लाई किया है, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और बिल्कुल भी क्रीज ना हो। Now it's time for contouring and for that I'm using Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette और अब मैं अपने hollows of the cheeks को अच्छे से contour कर रही हूँ brush की help से and chin पे थोड़ा सा nose को and also forehead को। अगर आपका जो hair line है forehead है वो बहुत ज़्यादा broad नहीं है तो आप वहाँ पर contouring ना करें and also इसे मैं अपनी lower lip के थोड़ा सा नीचे भी apply कर लूँगी। So guys, now I am removing all that loose powder which I have applied with the help of a brush. And also if you don't have loose powder, you can use compact powder to set your base. So now I am using this Wet n Wild white kajal and I am going to apply it on my lower waterline. And I feel like applying white kajal gives more soft and subtle look. So now I am using this pink eyeshadow again on a very small blending brush and applying it on my lower lash line. Now I am using my all-time favorite K-Beauty matte blush and it's in shade Sweet Salmon. इसे मैंने अपने cheeks पे, nose पे and chin पे apply कर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा pretty shade है। So today I am using this K-Beauty metallic highlighter और ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा highlighter है और इसका जो shade name है वो मैं description box में mention कर दूँगी, तो आप check कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं इससे कितना ज़्यादा pretty और बहुत ही ज़्यादा light एकदम लगता है face पे और काफ़ी अच्छा सा glow आ जाता है। So I am applying it all over my high points of my face. तो इसे मैं अपनी eyes के inner corners पे और brow bone पे भी apply कर लूँगी। So after that I'm going to curl my lashes because before applying mascara I always do that. So today I'm using Maybelline Colossal Mascara. It's a waterproof mascara. ये काफ़ी अच्छा mascara है, इससे जो मेरी lashes हैं वो बहुत ही ज़्यादा dark हो जाती हैं, uplift हो जाती हैं। After that I'm using Swiss Beauty Matte Liquid Lipstick and it's in shade nude kind of and जो भी shade name है वो मैं description box में mention कर दूँगी। So now at last I'm using makeup fixer which is from Swiss Beauty to set my base और इसे मैं अच्छे से स्प्रे कर लूँगी अपने फेस पे और उसके बाद मैंने लिया है ब्यूटी ब्लेंडर जिसको मैं पैट पैट कर लूँगी जस्ट टू सेट माय मेकअप। So now here's the final look. I hope you guys enjoyed watching this look and also guys wish you all a very very happy Diwali and stay home, stay safe and enjoy with your family. And also guys, आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला लुक कैसा लगा and you guys can also recreate this look और अगर आप इस लुक को recreate करिएगा तो आप मुझे Instagram पे follow करिए और आप वहाँ पे मुझे tag कर सकते हैं and please like this video and please subscribe to my channel and hit the bell icon so that whenever I post a video you will be notified and you can follow me on Instagram, the link is in description box below. So guys, मिलते हैं आपसे next time, till then take care, bye guys.